नितिन न्यूरोलॉजी स्लीप सेंटर से आपके समक्ष मैं प्राणायाम के विषय में आपको बताने वाला। ये प्राणायाम काफ़ी लाभकारी है, आपने नाम भी सुना होगा इसका, अनुलोम विलोम। यह प्राणायाम कोई भी कर सकता है। सबसे पहले आपको ये प्राणायाम करके दिखाते हैं, उसके बाद हम ये इसके क्या लाभ हैं और इसमें छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत से लोग कहते हैं कि किस प्रकार से होता है, कौन सी उंगली होनी चाहिए प्राणायाम करने के लिए, किधर की तरफ से आपको सांस लेना है, किधर से छोड़ना है, किधर आपको एंड करना है, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्राणायाम देख लीजिए। आपको वायु मुद्रा में आना है, ये अंगूठे और इस मुद्रा को आपको वायु मुद्रा में बनाना है। बैक को स्ट्रेट रखना है, दूसरे हैंड को योग मुद्रा में। आपको बॉडी बिल्कुल तनके नहीं रहनी है, नॉर्मल आपको स्ट्रेट रहना है। हमेशा आपका जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से आपको लेना है, राइट साइड से छोड़ना है, फिर राइट साइड से आपको सांसों को लेना है, फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है। ये आपका एक चक्र होगा। जब पूरा लेफ्ट से लेके लेफ्ट पे ही खत्म होगा तो ये आपका एक चक्र होगा। ये आप दिन में 5 मिनट या 20 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम इसको 5 मिनट तो अभ्यास किया जाए, ये तभी आपके लिए लाभकारी होगा। इसको बताते हैं, देखिए फिर से। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक चक्र पूरा हो गया हमारा। फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको ये चक्र करने हैं। इसमें आपको सांसों को खींच के नहीं लेना है, ऐसे झटके से ये नहीं करना, सांसों की आवाज नहीं आएगी इसमें, इस बात का ध्यान रखें। और कई लोगों की समस्या होती है कि सर हम जो करते हैं सांस को लेके, जो सांस को रोकना होता है वो क्या है, वो होता है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम और ये है आपका अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा फर्क होता है। ये आपका अनुलोम विलोम आपको रोकना नहीं है सांसों को, सांस को लिया दूसरी तरफ से छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ से लिया, फिर लेफ्ट साइड से छोड़ दिया। इसी प्रकार से आपको ये सांसों की क्रिया करनी है। आंखों को बंद करके आपको अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे बॉडी रिलैक्स होती है, आपके मन रिलैक्स होता है। ये किस लिए है? किसी को सांस की समस्या है, लंग्स से जुड़ी हुई समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को एंजाइटी है, इन समस्याओं के लिए। वैसे ये प्राणायाम काफ़ी चीज़ों के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ समस्याएं जो हम बता देते हैं, जिनको एंजाइटी है और जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है और जिनको साइनस है, इनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। ये अभ्यास करें दिन में 5 बार, सुबह शाम अभ्यास करें। इसके अभ्यास के लिए आपको सुबह उठकर खाली पेट फ्रेश आदि होकर आदि निवृत्त क्रिया करके आपको ये प्राणायाम करना है। जितना समय दे सकें उतना समय दीजिए और अंत में आपको लेफ्ट साइड से ही आपको ख़त्म करना है। लेफ्ट से जैसे स्टार्ट हुआ तो लेफ्ट साइड से ही आपको ख़त्म करना है ये। और उसके बाद आप पार्ट पार्ट में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने 5 मिनट किया या 3 मिनट किया, शुरू में 5 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट किया थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर 1 मिनट किया फिर रिलैक्स कर लीजिए। इस प्रकार से आपको टुकड़ों में ये प्राणायाम करना है। पहले जब इसका अभ्यास आपको बनेगा फिर आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए,
उसके बाद आपको पूरी बॉडी को महसूस करना है और ध्यान लगाना है। आराम से ध्यान लगाने के बाद 5 मिनट का ध्यान रहेगा, फिर आपको हैंड स्क्रब करना है, अपनी आंखों पर लगाना है, फिर आइज को ओपन करना है। ये प्राणायाम कोई भी कर सकता है, जिसको भी समस्या है इनसे जुड़ी हुई वो इन प्राणायाम को अवश्य करें। धन्यवाद।